Hello everyone, this is Priyanshu Ranjan, MBBS first professional year, IJMS Patna. I also appeared in ICRU in 2020 and cleared it with 401 marks out of 600, and my All India rank was 3500 approximately. I have completed my first year agriculture in College of Agriculture, Ganjbasuda, and my university name was Jawaharlal Nehru, Krishi Vishwavidyalaya, Jabalpur. In this video, I am going to discuss about your comments, आप सभी के जो queries थे, आप सभी के जो doubts थे, ICR counseling के regarding, और भी जो आप सभी का डाउट था उन सारे कमेंट्स को मैं डिस्कस करूंगा। मैंने कुछ कमेंट्स को शॉर्टलिस्ट कर लिया है क्योंकि वो मैंने देखा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का वैसा कुछ डाउट आ रहा था, तो मैंने उन सारे कमेंट्स को शॉर्टलिस्ट कर लिया और उन सारे कमेंट्स का जो रिप्लाई है मैं एक वीडियो के थ्रू दे दूंगा ताकि आप सभी का जो क्वेरी है वो एक साथ सॉल्व हो जाए। और भी काफी स्टूडेंट्स का जो क्वेरी आ रहा है कि ICR की जो रैंक लिस्ट है वो कब आएगी, ICR का जो काउंसलिंग है वो कब से स्टार्ट होगा, तो देखिए ये तो ICR को ही पता होगा। अभी तक जो है वो मेरे अकॉर्डिंग काउंसलिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, हमारी काउंसलिंग में इतना ज्यादा डिले जो है वो नहीं हुआ था। पता नहीं ICR जो काउंसलिंग है वो इतनी लेट क्यों स्टार्ट कर रही है। हालांकि काउंसलिंग स्टार्ट कब होगी इस पर हम लोग डिस्कशन करके भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये काम जो है वो ICR को करना है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। जब भी काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम पे इन्फॉर्मेशन शेयर करने के बाद मैं एक वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन भी कर दूंगा। एक और इम्पोर्टेंट बात, मैंने जो पेड काउंसलिंग अपनी अनाउंस की थी जिसमें आप सभी मेरे साथ व्हाट्सएप या फोन कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं, उसका जो 10 सीट्स था वो फुल हो चुका है। लेकिन इसके बाद भी जो काफी क्वेरी है मुझे इंस्टाग्राम पे DM पे आती है कि भैया आई वांट टू कनेक्ट टू योर व्हाट्सएप, तो मैंने जो सीट्स का लिमिट है वो 10 से बढ़ा करके 15 कर दिया है। अभी जो मैंने 5 सीट्स एक्सटेंड किया आप सभी के लिए वो अब 20 तक नहीं होगा, मीन्स 15 तक ही सीट्स अवेलेबल रहेंगी। सिर्फ 15 स्टूडेंट्स का जो काउंसलिंग है वो मेरे थ्रू होगा क्योंकि मुझे भी काफी कम टाइम मिलता है, मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया है। तो अगर आपको काउंसलिंग में इनरोल करना है, अगर आपको मेरे साथ व्हाट्सएप या फोन कॉल पे कनेक्टेड रहना है, तो इसके लिए आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का जो लिंक है उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको गूगल फॉर्म को फिल करना पड़ेगा और जो वहाँ पर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन हो गया जैसे आपका नेम, रोल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, आप ये सारी जब इन्फॉर्मेशन को फिल करेंगे तो उसके बाद मैं आप सभी को एक या दो घंटा, अगर ज्यादा लेट हुआ तो एक दिन के अंदर मैं आप सभी को कांटेक्ट कर लूंगा। तो आप देख लीजिए कि आपको काउंसलिंग ज्वाइन करनी है या नहीं करनी। मैं 15 सीट से जो लिमिट है वो आगे नहीं बढ़ाऊंगा, जैसे ही 15 सीट्स फुल होंगी तब जो गूगल फॉर्म है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा और उसके बाद आप सभी इनरोल नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप सभी को इनरोल करना है मेरी पेड काउंसलिंग में तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप कमेंट सेक्शन का प्रॉपर यूज करेंगे तो मैं आप सभी को वहां भी रिप्लाई कर देता हूँ। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला कमेंट है वो देवश्री का है, इनका जो परसेंटाइल स्कोर है 99.084 परसेंटाइल, OBC कैटेगरी, कौन सा कॉलेज मिल सकता है। देखिए आपको तो टॉप का कॉलेज मिलेगा ये तो फिक्स बात है, आपको IRI, PHU या GV पर ये तीनों कॉलेज में से कोई भी एक कॉलेज जो है मिल सकता है। कॉलेज कब तक स्टार्ट होगा ICR का, जस्ट बिकॉज आपको टॉप का कॉलेज मिलेगा इसलिए अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे BHU के बारे में तो मैं आपको BHU बता देता हूँ। BHU का जो CUET का जो एग्जाम है वो हो चुका है, काउंसलिंग भी हो चुकी है और जो काउंसलिंग का रिजल्ट है वो भी आ चुका है। तो जैसे जैसे एडमिशन प्रोसेस हो जाएगी और ICR का भी काउंसलिंग जब स्टार्ट हो जाएगा तो आप लगभग एक्सपेक्ट कर सकती हैं कि आपका कॉलेज नवंबर या दिसंबर में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, BHU में लेट नहीं होगा, इवन GV पंत में भी लेट नहीं होगा, GV पंत भी है वो टाइम से स्टार्ट हो जाएगा आप सभी का। GV पंत में मैं आपको बता दूं, GV पंत में आपको दिसंबर में आपको मिलेगा, दिसंबर में कॉलेज स्टार्ट हो जाएगी, मींस जैसे ही सेकंड राउंड ICR काउंसलिंग कंप्लीट होती है तो लगभग GV पंत जो है वो स्टार्ट हो जाती है। IRI न्यू दिल्ली का बात करें तो वो इसी साल खुल रहा है तो उसका कोई प्रीवियस ईयर डेटा नहीं है तो IRI के बारे में कुछ कहना मुश्किल है। इसके बाद आपने लिखा हुआ है मेरे नीट में 555 है, सेकेंड ड्रॉप में मुझे ICR कॉलेज लेना चाहिए नीट प्रिपरेशन के साथ, प्लीज गाइड मी। देखिए आपके मार्क्स हैं 555 और ये आपका सेकेंड ड्रॉप है, मींस आपने 12 जो है वो 2020 में पास किया होगा। अगर मैं आपके नीट के मार्क्स का बात करूँ तो ये काफी ज्यादा अच्छे मार्क्स हैं, आपके काफी अच्छे मार्क्स हैं, कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। और आपका जो डाउट है कि आप ICR के कॉलेज के साथ आप प्रिपेयर कर सकती हैं कि नहीं कर सकती हैं, तो एज इन अगर मैं आपको फैक्ट बोलूं बिना आपको इधर उधर की बात बताए तो देखिए आपको मिलेगा टॉप का कॉलेज ICR के थ्रू। और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ICR के टॉप कॉलेज में जाने के बाद आपको इतना सफिशिएंट टाइम मिलेगा कि आप नीट का भी प्रिपरेशन कर सकते हैं तो ये काफी गलत आप सोच रही हैं। मेरे अकॉर्डिंग जो है आपको टाइम बहुत ज्यादा कम मिलेगा, मीन्स आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा नीट के लिए, एग्रीकल्चर भी आपको उसके साथ कैरी ऑन करना पड़ेगा तो काफी ज्यादा मुश्किल रहने वाला है आपके लिए ICR विद नीट इन टॉप ICR कॉलेजेस। अब इसके बाद आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि आपको ICR का कॉलेज के साथ प्रिपेयर करना है या फिर आप फुल्ली फोकस करेंगे ICR की तरफ। इसके बाद दूसरा कमेंट है शीतांशु सौरभ का, इनका डाउट ये है कि IRI और BHU में किसको प्रेफरेंस दें, ऑल इंडिया रैंक 245। और साथ में इनका एक और कमेंट है कि सर IRI लेना चाहिए या BHU, क्योंकि IRI पहली बार UG एडमिशन ले रहा है तो फैसिलिटी शायद ना मिले। देखिए आप सभी को खुद भी पता है कि IRI में
वो फर्स्ट टाइम इस बार एडमिशन हो रहा है अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए, और साथ में अभी तक आईसीआर का जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हुआ नहीं है, तो हमारे पास प्रॉपर लिस्ट भी नहीं है कि आईआरआई पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा। मुझे पता है काफी अदर सोर्सेज से हमें इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि आईआरआई पार्टिसिपेट करने वाला है, लेकिन जब तक काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होती है और आईसीआर अपने तरफ से कोई कॉलेज को ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं करता है अपने काउंसलिंग के वेबसाइट पे कि आईआरआई इज ऑल्सो इंक्लूडेड, या फिर अपना जो चॉइस प्रेफरेंस है उसमें आईआरआई का नाम जब तक वो नहीं देता है, तब तक हम लोग को 100% जो बिलीव है इस बात पे कि आईआरआई पार्टिसिपेट करेगा वो नहीं करना चाहिए। वापस अगर आपके डाउट पे आ जाए तो कांग्रेचुलेशन, सबसे पहले आपको, आपकी ऑल इंडिया रैंक 245 है। इसके बाद देखिए आप पर डिपेंड करता है कि आप आईआरआई जाएं या फिर बीएचयू जाएं। और अगर आप मेरे से पूछते कि मैं कहां जाता, तो हो सकता है कि मैं बीएचयू चला जाता, क्योंकि एज इन मैं बिहार डोमिसाइल का हूं तो मुझे थोड़ा पास पड़ता है बीएचयू, पटना से लगभग 4-5 घंटे का या 3-4 घंटे का ही ट्रेन का रास्ता है, तो वाराणसी मेरे लिए पास पड़ता, इसलिए मैं जो शायद है वो बीएचयू चूज कर लेता। साथ ही मैं, जैसा कि आपने मेंशन किया कि आईआरआई जो है वो पहली बार खुल रहा है, तो जाहिर सी बात है जो पहली बार खुलेगा आपको वहाँ पे आपके इमीडिएट सीनियर्स है वो नहीं मिलेंगे। हो सकता है जो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए हो, लैब फैसिलिटी चाहिए हो, वो उतनी तरह से वेल डेवलप ना हो। एज इन मैं ऐसे कंडीशन दे रहा हूँ, आईआरआई अपने में ही टॉप की यूनिवर्सिटी है, ये तो फिक्स है, लेकिन जस्ट बिकॉज इस साल से अंडर ग्रेजुएट जो है वो स्टार्ट हो रहा है, तो हो सकता है जो फर्स्ट बैच उसमें जाएगा उसको थोड़ी सी परेशानी का जो सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वहां पर आप सभी को गाइडेंस के लिए सीनियर नहीं होंगे और भी हो सकता है कुछ फैसिलिटीज अवेलेबल ना हो। अगला कमेंट निर्भय का है, हाय सर, मान लीजिए अगर मुझे बीएससी हॉर्टिकल्चर में टॉप कॉलेज मिल गए और एग्रीकल्चर में लो कॉलेज मिला, तो मुझे कौन सा कोर्स लेना चाहिए? तो काफी अच्छा कमेंट है आपका। तो देखो निर्भय, यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो डिग्री की होती है, मींस बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की ज्यादा वैल्यू होती है और उससे कम वैल्यू होती है हॉर्टिकल्चर की। वैल्यू इन द सेंस मैं ये नहीं बोल रहा कि वो कम इम्पोर्टेंट है या ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपको ज्यादा प्लेसमेंट्स का मौका मिलेगा वो है आपको एग्रीकल्चर। एज इन मैं आपको बात करूँ तो डिग्री को हमेशा प्रेफर करना चाहिए अगर आपको बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर मिल रहा है एक लोअर कॉलेज से ही, लेकिन अगर आपको हॉर्टिकल्चर का कॉलेज मिल रहा है एक टॉप के कॉलेज से, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एग्रीकल्चर को प्रेफर कीजिए। इसके बाद जो आकाश का कमेंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। भैया, ICR स्कॉलरशिप मंथली मिलेगा या सेमेस्टर वाइज या फिर ईयरली? प्लीज रिप्लाई एंड ऑल्सो प्लीज कवर द टाइम मैनेजमेंट विद रेगुलर 9-to-5 क्लासेस, इट इज मोर इम्पोर्टेंट। देखो ICR का जो स्कॉलरशिप का मैं बात बता दूं, तो फर्स्ट सेमेस्टर के बाद आपको पहली बार स्कॉलरशिप मिलेगा, मीन्स आपको कम्बाइंड मिले जिस दिन से आपने जो अपनी एडमिशन की जो प्रोसेस है उसको कम्प्लीट किया उस तारीख से लेकर के आपको ICR का स्कॉलरशिप मिलना स्टार्ट हो जाएगा टिल फर्स्ट सेमेस्टर। और जैसे ही आपको फर्स्ट सेमेस्टर कम्प्लीट होगा उसके बाद से आप सभी को मंथली बेसिस पे ICR का जो स्कॉलरशिप है वो जो है मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है ICR की तरफ से जो स्कॉलरशिप आती है आपके यूनिवर्सिटी को, आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो आपके कॉलेज को भेजती है और तब जो है आपका कॉलेज जो है आपको भेजता है, तो इन सारे प्रोसेस में कभी कभी काफी ज्यादा टाइम लगता है, तो ये चीज को भी आपको समझना पड़ेगा। आपको जो स्कॉलरशिप मिलेगा आपके कॉलेज के थ्रू मिलेगा ICR का स्कॉलरशिप, तो इन सारे प्रोसेस में कभी कभार डिले हो जाता है और आपका स्कॉलरशिप है वो 1-2 महीना थोड़ा डिले से भी आता है। फिर आपने बोला है कि टाइम मैनेजमेंट बताइए 9-to-5 क्लासेस का, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ आपका एक और कमेंट था, भैया हाउ मेनी क्लासेस आर डे इन बीएससी एग्रीकल्चर फॉर हाउ मच ड्यूरेशन एंड हाउ ही मैनेज द टाइम विद रेगुलर क्लासेस फॉर नीट। सर, इज देयर एनी हॉलीडे ड्यूरिंग अ वीक? प्लीज रिप्लाई एंड ऑल्सो भैया आई डोंट लाइक द बोटनी सो Can I go to college having 99.53 percentile? Congratulations for such a good percentile. Or take a complete drop because it's my third attempt having 559 marks from Jharkhand. आपका ये third attempt है, means पहला attempt आपने 12th में दिया होगा और आपका ये third है, means आपने जो 12th है वो 2020 में पास किया। तो आपका जो doubt है वो time management के according है और आपका एक और doubt है वो botany subject के regarding है। तो सबसे पहले आपको congratulations दोनों percentile और marks के लिए, आपका ICR और नीट का जो परसेंटाइल और जो मार्क्स है वो काफी ज्यादा अच्छा है, ठीक है, इसके लिए कांग्रेचुलेशंस। और अगर बात कर ले अब आपका टाइम टेबल के बारे में, तो देखो ऐसा कुछ टाइम टेबल अगर मैं आपको बना करके दूंगा, अभी तो चलो आपका कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ है तो फिर मैं आपको अभी कोई टाइम टेबल बना करके दे दूंगा ये ऐसे ऐसे पढ़ो, फिर आप अभी उसको इजिली फॉलो कर लोगे, लेकिन जब आपका कॉलेज स्टार्ट होगा कॉलेज में मोस्ट प्रोबेबल चांस ये है कि आप अपने आउट ऑफ स्टेट का कॉलेज ही लेंगे। आपका जिससे आपका जो परसेंटाइल है उस हिसाब से तो लग रहा है कि आपको बीएचयू आईआरआई या जीवी पंथ ही मिलेगा, तो आपको तो टॉप का कॉलेज मिलेगा जाहिर सी बात है। आपको आपके स्टेट के बाहर भी जाना होगा, आपको लगभग 2-3 सप्ताह लगेगा वहाँ पर एडजस्ट होने में। फिर एक और बात ये कि आप टॉप की ICR यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ पर पढ़ाई का प्रेशर भी काफी ज्यादा होगा, और मेरा अभी का जो दिया टाइम टेबल है वो हो सकता है आपके वहाँ के शेड्यूल के अनुसार मैच ना करे, तो टाइम टेबल वाली चीज है आप उसको अवॉइड कीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आपको टाइम मिले 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा,
जब भी मिले, लंच का टाइम मिले, आप उस समय जो है वो अपना प्रिपरेशन जारी रखें। मींस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेरा जब नीट का एग्जाम था, तो आप सभी को पता है नीट का एग्जाम संडे को ही होता है, 12 सितंबर को मेरा नीट का एग्जाम था, नीट 2021। और मैं आपको बताऊँ लगभग 8-9 तारीख से 13-14-15 तक, 15 सितंबर तक शायद से हमारा वो वाइवा था उस समय। तो काफी डिफिकल्ट हो जाता है आपको आईसीआर के एग्जाम्स के साथ भी अपने नीट को क्रैक करना। तो मैं आज आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको नॉर्मल जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ कि जब आप कॉलेज जाएंगे तो ये सब आम बातें होंगी। आपको हो सकता है उस समय असाइनमेंट्स बहुत सारे लिखने पड़े, आपको हो सकता है उसमें प्रैक्टिकल बहुत लिखने पड़े, तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो इसलिए प्रिपरेशन को अभी से स्टार्ट कीजिए। और जब भी टाइम मिले आप अपने टाइम का प्रॉपर यूज कीजिए। और एक और इम्पोर्टेंट बात सारे के सारे नीट एस्पिरेंट्स के लिए, बात यह है कि देखिए अगर आप आईसीआर के कॉलेज में जाते हैं और आपने आईसीआर के साथ नीट की प्रिपरेशन की और आपसे उस साल जो है नीट वो क्लियर नहीं हुआ, मींस सपोज कर लेते हैं अभी आपने 2022 में एडमिशन ले लिया और 2023 जो नीट है वो आप सभी ने अटेम्प्ट किया और आपका जो नीट है वो क्लियर नहीं हुआ, तो इस बात से आप डिप्रेस होकर के एग्रीकल्चर भी ना छोड़ दे। मैं ये कहना चाहता हूँ ओवरऑल कि अगर आपका जो नीट है वो क्लियर नहीं होता है लेकिन आप उसके बाद फिर भी अपने एग्रीकल्चर कंटिन्यू करने के लिए रेडी हैं, तो ही आप आईसीआर कॉलेज में एडमिशन लीजिए। ऐसा ना हो कि आप इधर के भी ना रहें उधर के भी ना रहें, मींस अगर आपका अगले साल नीट नहीं निकलता है तो आप मन लगा करके एग्रीकल्चर की पढ़ाई कीजिएगा। इसमें भी काफी ज्यादा स्कोप है, काफी ज्यादा इसमें भी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, मैंने आप सभी को ऑलरेडी एक वीडियो के थ्रू बता दिया है आईसीआर की जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर के देखिए कि वहां पर भी कितनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज है। तो ओवरऑल डिस्कशन को मैं अगर कंक्लूड करूँ तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर आपको ICAR के साथ नीट का अटेम्प्ट करना है तो आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगला साल अगर नीट नहीं निकलेगा तो आप डिप्रेस होकर के ICAR को भी हैम्पर मत कीजिएगा। आप मन लगा करके एग्रीकल्चर को कंटिन्यू कीजिएगा, और अगर आप नहीं करेंगे एग्रीकल्चर को कंटिन्यू तो आप अभी से ही एक प्रॉपर ड्रॉप ले लीजिए। पार्शियल ड्रॉप लेने का कोई मतलब नहीं बनता है, आप अगर एग्रीकल्चर कंटिन्यू करेंगे तो ही आप पार्शियल ड्रॉप का सोचिए भी। अगर आप एग्रीकल्चर कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं तो आप एक प्रॉपर ड्रॉप ले लीजिए। प्रॉपर ड्रॉप लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता रहा हूँ, मैं एज इन अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जितने भी पीसीबी स्टूडेंट जाएंगे आईसीआर में वो लगभग सारे के सारे जो है वो नीट के लिए अटेम्प्ट करते ही करते हैं। मैं अपनी यूनिवर्सिटी का बात कर लूँ, जब मैं अपने यूनिवर्सिटी में गया था तो वहां पर बीएससी एग्रीकल्चर में सारे के सारे पीसीबी स्टूडेंट्स ही थे, पूरे यूनिवर्सिटी का मैं बात कर रहा हूँ, और सारे के सारे स्टूडेंट्स ने नीट का जो एग्जाम है उसको अटेम्प्ट किया। तो जो पीसीबी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स रहेंगे आपको तो मिलेंगे ही वहाँ पे कॉलेज में, मीन्स आप भी जब कॉलेज में जाएंगे, आप सभी जब कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ जो पीसीबी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स रहेंगे वो तो रहेंगे ही नीट के प्रिपरेशन के लिए। हाँ, वो हो सकता है कि कॉलेज के साथ धीरे धीरे जब वो कॉलेज में घुल मिल जाए तो हो सकता है वो नीट को भूल भी जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्टूडेंट्स है वो एक बार जो अटेम्प्ट है वो देते ही देते हैं। मेरे साथ भी लगभग 20 बच्चों ने जो अटेम्प्ट है वो दिया था आईसीआर के साथ नीट का, लेकिन उनमें से जो सिलेक्शन है वो किसी का नहीं हुआ। तो मैं एज इन यही बोल रहा हूँ कि जो सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है वो काफी कम होती है। अगर आप प्रॉपर टाइम टेबल का जो शेड्यूल है उसको मैनेज नहीं करेंगे तो काफी दिक्कत होगी आपको नीट क्रैक करने में आईसीआर के साथ। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच गाइस एंड टेक केयर।